thank नमस्कार साथियों मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे जंतर मंतर पे धरने की सीरीज़ में लगातार धरने हो ही रहे थे असम के लोग आ रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे एस स्टेटस की मांग हो रही थी सिक्स मेजर कम्युनिटीज हैं जो लगातार ये डिमांड कर रही हैं सरकार से कि उनको एस का स्टेटस मिले और बहुत पुरानी मांग है उन जो 1990 के दशक के अंदर की ये मांग है उन्नीस सौ में, में बहुत सारे इस पर ऑर्डिनेंस के जरिए भी काम हुआ फिर बिल भी लाया गया राज्यसभा के अंदर लेकिन उसके बाद भी अब तक लटका हुआ है सारा मामला और जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है 2014 में तो उन्होंने एश्योरेंस दिया था वादा किया था कि इन सिक्स कम्युनिटीज़ को जो ट्राइबल लोग हैं आसाम के इनको इनका हक मिलेगा एस स्टेटस मिलेगा मैं बता दूं एस स्टेटस क्यों चाहिए ये लोग नौकरी के लिए एस स्टेटस नहीं मांग रहे हैं ये लोग अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए एस स्टेटस मांग रहे हैं ये लोग अपना कल्चर अपनी लैंड अपनी ज़मीन अपना सब कुछ बचाने के लिए एसटी स्टेटस मांग रहे हैं कहां से आए हैं सर आप और आपका कौन सा कम्युनिटी है क्योंकि सिक्स कम्युनिटीज मेजर हैं नमस्ते हम लोग आसाम से है हमारा ये, ये कुछ राजवंशी ये है एक कम्युनिटी ये हम लोग आ रहा है ये जनजाति के अच्छा डिमांड के लिए हम लोग आंदोलन किया ये आंदोलन हम लोग का उन्नीस सन में ये हमारा आंदोलन चल रहा अच्छा लेकिन 96 में एक बार ये हम लोगों को जनजाति में मान्यता दिया था अच्छा लेकिन थ्रू द ऑर्डिनेंस यस छोटा ऑर्डिनेंस इट वाज द कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस ने हम लोगों को दिया था लेकिन कोई राजनीतिक पाक्षत्र में कोई राजनीति के कोई दलाल का माने मुनाफा के लिए फिर ये हम लोग का जो जनजाति का मान्यता मिला वापस ले लिया क्यों क्यों मतलब ये राजनीतिक का पाक है राजनीति का बेनिफिट का कोई राजनीतिक पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए जब चाहे इस्तेमाल कर लेते हैं लोगों, आ, लोगों को लोगों के लिए बीजेपी आ, ने भी एश्योरेंस दिया और सभी छी देखिए नाइनटी सेवन के बाद हम लोग का बड़ा बड़ा आंदोलन किया बड़ा बड़ा हम लोग के जाता है कोई चुनाव तो है चुनाव के टाइम में तो राजनीतिक नेता लोग ने बोला तो बोला है कि जो जब छर्गा होगा आप लोग को तो ये बिल हम लोग जनजाति में मर्यादा दे दी ऐसे बोलते 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 आज दो हज़ार बाईस हो गया तो तक से गवर्नमेंट ने हम लोग को दिया ही नहीं ये गवर्नमेंट बहुत हम लोग को तो पटाना किया और ये बात है एक ये भारतीय संविधान का ये मर्यादा हानि किया क्योंकि एक एक बार जनजाति दिया फिर वो आपस लिया ये कभी नहीं हुआ भारतीय एक में बार, दिया और उसके बार ले लिया। आ। तो कैसा लगता है आपको ऐसा लगता है आपके साथ धोखा हुआ जी हम लोग को ऐसा लगता है अभी धोखा हुआ है हम लोग का साथ प्राइम मिनिस्टर जब पहली बार असम में गया रहा इलेक्शन का समय में इलेक्शन में समय वो जाके हुँ हुँ भारी जनसभा में बोला है जो हम लोग का जब सरकार आ जाएगा तो हम लोग आप लोग को एस टी लेगा लेकिन अभी देखिए छह महीना में छह महीना के अंदर में हम लोग को एस देने के लिए वो वादा करके आया रहा असम में जाके सारे जनसभा में बोला है लेकिन अभी ये भी जुमला हो गया क्या? जुमला जुमला ये जुमला बोलता है हाँ। जो अमित शाह जी बोलता है जुमला वही बात हो हम लोग का साथ भी हो रहा है हाँ। हम लोग को ये दो बार भी सरकार बन गया हाँ। अभी लेकिन लोग को कोई खबर नहीं है क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग क्या ये इस तरह से वादा करके मुकर क्यों जाते हैं नेता क्या उनको डर नहीं है अभी दो का इलेक्शन भी आ रहा है तो उनको डर नहीं है ना डर डर लगने लगा है अभी अभी डर लगने लगा है हम लोग लगातार छह महीना से छह महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं अभी आसाम में तीन बार रेल ब्लॉकेज किया है अभी हम लोग दिल्ली में आके अभी फिर जंतर में के लिए आया है ओ लो, ओ लो को अभी पता अभी पता चल जाएगा जो इलेक्शन आ रहा है ना उसमें दो डायनेस्टी मेन मेन होती थी जो पुरानी इनका इतिहास है कोश और ओह दो डायनेस्टी डैने, दो होती थी जिन्होंने आसाम पे बहुत समय तक राज किया और मुगलों को हराने वाले और मारकर भगाने वाली या उसको प्रोटेक्ट करने वाली कोई डायनेस्टी है तो यही लोग हैं इन्होंने कभी घुसने नहीं दिया आसाम के अंदर और आज ये अपनी कल्चर अपने प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हुए हैं सड़क पर कैसा लगता है आपको ये आपके साथ हमको हमको बहुत दुख लगा है जब हम लोग को एक बार एस दर्जा दिया था फिर पॉलिटिकल मुनाफा के लिए हम लोगों को फिर मतलब एस से एस दर्जा हटा दिया और असम का जो सर्वानंद सोनोवाल सोनोवाल था चीफ मिनिस्टर हाँ। उसी टाइम में भी हम लोगों का इलेक्शन इलेक्शन मैनिफेस्टो में, में भी ये से शेख अस्का जो एस एस टी दर्जा देने का वादा था वो तो बोला सरकार आने से हम सौ दिन में आ, कुछ राजवंशी से लेकर आ, बाकी सिक्स कम्युनिटी को एस टी दर्जा देंगे लेकिन सरकार आया गया फिर विश्वास से कुछ उम्मीद है उसका उम्मीद तो उम्मीद तो सब सब का ऊपर रखता है लेकिन काम नहीं होता है ना नहीं। नहीं है। आप एक बार इधर आ जाइए राजनीतिक मुद्दा की बात कर रहे हैं आप थोड़ा सा यहाँ यहाँ आज यहा, खड़े यहा, हो जाइए फ्रेम में आ जाएंगे राजनीतिक मुद्दा बना के रखा हो क्यों लगता है आपको राजनीति क्या इस पे वोट बैंक की राजनीति हो रही है मैं इससे राजनीति के बारे में बताने से मैं पहले इसके हिस्ट्री के पहले हमारा सदस्य ने बोलिया है कि जो 1996 में ऑर्डिनेंस नंबर नाइन पब्लिक नाइन्टी उसी के हिसाब से एस को एस टी कुशाजम को एस मतलब दर्जा दिया था तो उसी समय में ये तीन साल मतलब तीन सिक्स छः महीने तक एस का मर्यादा लिया उसी समय हमारा असम में इसी एस के दर्जे से मतलब एम एल ए भी एम एल भी बना था माजुली समस्ती में तो अभी पता नहीं इसीलिए इसको मतलब राज्यसभा में पेश कर दिया था बिल ये भी हाँ, हाँ गया था गया था अभी भी, 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 भी फंसा हुआ है मतलब लटका, 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 लटका हुआ है लटका के रखा हुआ है चाहे सरकार तो पास कर सकती है राज्यसभा के बाद लोकसभा लोकसभा के बाद राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी और आपको मिल जाएगा मिल जाएगा लेकिन आप उसको लिए आपको आंदोलन क्या तेज करने की मुहिम बना रहे हैं क्या दबाव बनाना चाहेंगे इसी तरह हाँ हाँ हम तो हर दिन हर दिन इसी काम में ही लगा हुआ है जो पहले ही बता दिया है कि हमें अभी तक थ्री टाइम्स हम रेल ब्लॉकेट क्या है hmm. आज तो इसी धरना के लिए हम असम से आए हैं परंतु इसी डिमांड में हम सोचा बारे कि गवर्नमेंट के, के बीजेपी गवर्नमेंट ने 24 का जो इलेक्शन है उसी समय के आगे ही थोड़ा एक गुड गुड न्यूज़ हम के लिए देगा क्योंकि ये नॉट ओनली फॉर एस कम्युनिटी फॉर इट इज़ बेनिफिट फॉर दी होल ऑफ आसाम बिकॉज इंडिजीनियस पीपुल दिस कम्युनिटी डिड नॉट गेव गि डि एस टी कम्युनिटी देन ऑल आर लॉस्ड देयर राइट्स एंड प्रिविलेज बिकॉज आप लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ में बांग्लादेश का बहुत प्रभाव है तो ये एस टी देगा तो हमारा जो सस, मतलब पहला वाले से जो ये कल्चर है हेरिटेज है ये पटक होगा देखिए ये लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि एस टी स्टेटस मिलना चाहिए सिक्स मेजर कम्युनिटीज हैं उसमें से एक ये भी है और उससे बेनिफिट जो जोड़ रहे हैं वो रिज़र्वेशन के लिए उसका बेनिफिट नहीं जोड़ रहे हैं उसका बेनिफिट कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं ये लोग अपनी जो मान्यताएं हैं अपनी जो चीज़ें हैं अपना जो इनका सारा कुछ कल्चर है उसको बचाने की बात कर रहे हैं और अपनी लैंड को बचाने की बात कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जब सबको मिल जाएगा वहाँ पर एस स्टेटस तो एक ट्राइबल इस्टेट हो जाएगी आसाम तो उसके साथ साथ लगभग लगभग बहुत सारे बेनिफिट्स जो मिलेंगे इनको जिससे इनको अपना इतिहास बचाना अपना वर्तमान में अपनी जो संस्कृति को बचाना और सब चीज़ों को बचाने में बहुत आसानी होगी जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी जय हिंद